वही अगली खबर जनपद चमोली से है, जहां पीजी कॉलेज गोपेश्वर में गंगा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसके साथ ही गंगा जल स्रोतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके तहत ही नमामि गंगे के नोडल अधिकारी डॉक्टर भालचंद्र नेगी ने छात्र छात्राओं को गंगा के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया और कहा कि इन सभी विभिन्न प्रतियोगिताओं का उद्देश्य जन जागरूकता लाना। मिशन गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत भारत सरकार के जल मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 16 मार्च से 21 मार्च तक मनाया जाना है। इस पखवाड़े के तहत विविध जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है आम जन को गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और इसके तहत हमारे कॉलेज में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की पोस्टर, पेंटिंग प्रतियोगिता, हस्ताक्षर प्रतियोगिता, गंगा रन, इसके साथ साथ गंगा आरती, किसी धारे नौले की साफ सफाई का कार्यक्रम, हमने बीच में बैतरणी कुंड की साफ सफाई का कार्यक्रम किया जो हमारा 18 तारीख को हुआ। और इसके साथ साथ आज इस कार्यक्रम में आज नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम है, जिस नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम जन को जागरूक करना कि गंगा को कैसे हम स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, जिससे कि आम आदमी की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जीवन रेखा हमेशा सतत चलती रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार और आज हम महाविद्यालय परिषद गोपेश्वर में और ये 16 मार्च से 31 मार्च तक ये हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हमारे भाई और हमारे अन्य साथियाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गोपेश्वर के नागरिक वासियों को ये सूचित करना चाहते हैं कि हम अपने देश में और अपने इधर उधर आसपास कूड़ा ना फैलाएं।